हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने उसके डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूला सब डिराइव कर लिया था, और उसके कुछ एप्लीकेशंस जो उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी हमने देख लिया था। तो आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज इस लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर सुक्रोज एट 15 डिग्री सेल्सियस। ये केन शुगर है, तो आपको कैलकुलेट करना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं क्या? सॉरी, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। ये फॉर्मूला हमें पता है, और इस एन को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू, यही फॉर्मूला हमें पता है। ठीक, और अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2, ये हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो गिवन यहाँ पर क्या है? 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 5% मींस क्या होता है। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, इसका मतलब क्या है कि जो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां पर जो सॉल्यूट है उसका मास कितना हो गया? डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। ठीक, डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा यहां पर? सॉरी, डब्ल्यू ए नहीं, एम बी मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सुक्रोज के लिए? 342 ग्राम। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए रहता है? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास डब्ल्यू बी है, एम बी है, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम, और सॉल्यूशन वाटर में ही बना हुआ होगा, तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है जनरली। तो जब उसको मास को हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा फिर? 100 मिली लीटर। अब ये 100 मिलीलीटर है, लेकिन हमें किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए, तो इसको लीटर में भी चेंज कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 0.1 लीटर। अब टेम्परेचर देख लेते हैं कितना दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने आपको बताया था कि हम जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहां से टेम्परेचर को कैल्विन में लिया जाता है, तो इसे कैल्विन में चेंज कर लेते हैं, प्लस 273। ठीक, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 588 केल्विन। और आर की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, तो अब इसे पुट कर लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 5 इंटू आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 288 केल्विन, अपॉन एम डी की वैल्यू 342
इनटू वॉल्यूम कितना है 0.1। तो अब इसे आप सॉल्व करिएगा और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.4518। ठीक, ये आप सॉल्व करिएगा तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा वहां पर 3.4578। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नोट कर लिया आपने, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का और जो सॉल्यूट है उसका आपको मास भी दिया हुआ है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन ऑफ 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.75 × 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो आपको सारी चीजें दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। सबसे पहले वॉल्यूम दे रखा है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर्स में कितना हो जाएगा 0.2 लीटर। और क्या दिया हुआ है, WB। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 1.26 ग्राम। ठीक, और पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.57 × 10⁻³ बार। और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हो गया 300। फॉर्मूला आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर अपॉन एम बी इंटू। यही फॉर्मूला होता है। अब आपको एम बी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला फिर कैसा हो जाएगा, इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू बी। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो एम बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास 1.26, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.57 × 10⁻³ इंटू V कितना दिया हुआ है पॉइंट। तो इसे आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक, कैलकुलेट करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 60.38 ग्राम मोल। ठीक, तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल वेइंग 1015 ग्राम इज फाउंड टू रिकॉर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.82 atm एट 293 केल्विन। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज वेइंग 1015 ग्राम। ओके, सॉल्यूशन का
आपको वॉल्यूम भी दे रखा है और उस सॉल्यूशन का मास भी दे रखा है आपको कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, इज फाउंड टू रिकॉर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.82 एटीएम। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दिया है, हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी, कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो हमें नंबर ऑफ, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो करते हैं, कैसे करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से वो कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। फिर उसके बाद क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, तो सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं हम, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है गिवन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है, 1015 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास 4.82 एटीएम, 4.82 एटीएम। ठीक, और आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको पता है पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू वी इंटू आर इंटू टी। तो हमें एन कैलकुलेट करना है, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी, 4.82, वॉल्यूम 1 लीटर, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ था हमें, टेम्परेचर 293 केल्विन, टेम्परेचर है 293 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मोल्स। ठीक, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, अब हमें फॉर्मूला मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, जब इस सॉल्यूशन के मास में से आप सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मोल्स पता है सॉल्यूट के, ठीक, तो उससे हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास 0.2 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट को हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मोलर मास कितना दिया हुआ था, 342। तो डब्ल्यू बी WB कितना आ जाएगा, 342 into 0.2। तो WB की वैल्यू फिर हमें मिल जाएगी, WB is equals to 68.4 ग्राम। ये WB मिल गया, means मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। तो आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन equals to कितना हो, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना दिया हुआ, 1015 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है, 68.4 ग्राम। तो ये हमें चाहिए मास ऑफ
सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1015 माइनस 68.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 946.6 ग्राम. अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है तो मोलालिटी निकाल लेते हैं. मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, 0.2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 946 इंटू 6 ग्राम, ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से इंटू ताकि वो किलोग्राम में चेंज हो जाए. और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर? 0.2113 मोल पर किलोग्राम. तो ये हो गई, हमने मोलालिटी कैलकुलेट कर लिया. नोट कर लीजिए आप, ठीक, चलिए नोट कर लिया आपने. चल, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बनाए थे, वहां पर हमें और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गिवन थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर is found to be isotonic with 2% solution of glucose. Molar mass 180 gram mole inverse. Calculate the molar mass of glycerin. Okay, isotonic solution दिया है, तो isotonic solution क्या होता है? जिसके osmotic pressures equal होते हैं. ठीक, यहाँ पर हमें given है solution containing 10.2 gram of glycerin per liter is found to be isotonic with 2% solution of glucose. Okay, तो आपको molar mass calculate करना है. किसका? glycerin का molar mass calculate करना है. ठीक, तो चलिए देखते हैं 10.2 gram of glycerin. Okay, तो given क्या है? ग्लिसरीन के लिए WB ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को मैं GLY लिख देती हूँ. कितना दिया हुआ है? 10.2 ग्राम. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? 1 लीटर. आपको कैलकुलेट क्या करना है ग्लिसरीन के लिए? MB कैलकुलेट करना. तो यहाँ पर पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई फॉर ग्लिसरीन मींस ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure for glycerin is equals to WB into R into T upon MB into V. तो ये हो जाएगा WB कितना? 10.2 R into T. और MB कितना दिया हुआ है? वो तो हमें ही कैलकुलेट करना है. और मास वॉल्यूम 1 लीटर. तो ये ग्लिसरीन के केस के लिए हो गया. इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर क्या बोला है उसने? ग्लूकोज बोला है. ग्लूकोज का कितना सॉल्यूशन? 2% सॉल्यूशन. 2% सॉल्यूशन मींस 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम वाटर में बना होगा सॉल्यूशन, तो वो किसके वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर. तो वो लीटर में चेंज करेंगे तो डब्ल्यू भी कितना हो गया ग्लूकोज के लिए? 2 ग्राम. सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर. तो ये लीटर्स में 0.1 हो गया. ये हो गया. अब और क्या है? मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का. कितना दिया हुआ था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास? 180 ग्राम. 180 ग्राम. और तो इसके लिए ग्लूकोज के लिए कितना आ जाएगा? ग्लूकोज इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी टू. तो डब्ल्यू भी कितना है हमारे पास ग्लूकोज के लिए? 2 आर और टी सेम. एम बी कितना है? 180. वॉल्यूम कितना है? 0.15 ग्लूकोज. अब हमें क्या बोला है कि सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है.
आइसोटोनिक मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ग्लिसरीन का वो किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज के। ठीक, तो ग्लिसरीन के लिए क्या आया था हमारे पास इक्वेशन 10.2 × R × t/m। ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया 2 × R × t/180 × 0.1। यहाँ पर से ART कैंसिल, हमें क्या कैलकुलेट करना है MB, तो MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10.2 × 180 × 0.1/2 इक्वल्स टू MB। ये हो गया ना 10.2 × 180 × ये हो गया। चलिए तो ये 2 × 90 टाइम्स में चले जाएगा, तो MB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10.2 × 90 × 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.8 ग्राम पर मोल। तो जो सॉल्ट ग्लिसरीन है उस ग्लिसरीन का मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 91.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट सॉल्व नोट कर लिया आपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर वुड 1.25 मोलल क्रोस सॉल्यूशन एग्जिबिट एट 25 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.34 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, बट आपको यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है उस सॉल्यूशन की, कितनी 1.25 मोल। तो 1.25 मोलल दिया हुआ है मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का, इसका मतलब क्या है कि जो 1.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट का 1.25 मोल प्रेजेंट है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम निकल जाएगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक, सुक्रोज है। ओके, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा ये, आपको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी इंटू आर। तो R का फॉर्मूला, तो R का वैल्यू पता है, T दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स वो भी हमने निकाल लिया 1.25। V कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, आपको पता है 1.25 मोलल मींस 1.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का आपको मास पता है 1000 ग्राम, सॉल्यूट का मास निकाल लीजिए कि वहां पर कितना, तो टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। अब जब सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, तो आप डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी और मास से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 1.25 मोलल। ओके, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है 1.25 मोलल सॉल्यूशन। तो 1.25 मोलल सॉल्यूशन मींस 1.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ये हमें कहाँ से पता चला, डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी से। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, एन बी कितना 1.25। ठीक,
सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 1.25 मोल्स, सॉल्वेंट का मास कितना है मींस डब्ल्यू ए कितना दिया है 1000 ग्राम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या था सुक्रोज था ना, पर देख लेते हैं सुक्रोज ओके। सुक्रोज का आपको मॉलिक्यूलर मास पता होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इक्वल्स टू क्या होगा मास ऑफ सुक्रोज अपॉन मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स पता है हमें 1.25, डब्ल्यू बी ये हमें पता करना है, एम बी कितना है 342। तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 340। इसे कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा 427.5। ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम, सॉल्यूट 427.5 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 1427.5 ग्राम। ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है हमारे पास 1427.5, डेंसिटी कितनी दी हुई थी 1.34 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हो गया 1.34 ग्राम पर मिलीलीटर, ये दिया हुआ था। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1065.3 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता चल गया है, अब तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर into T upon MB into V। ठीक, तो WB हमने कितना find किया था 427। क्या आप यहाँ पर direct number of 427.5 into R 0.0821 temperature कितना दिया हुआ था, temperature given था 25 degree Celsius, 25 को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, तो कितना आ जाएगा 892.98 केल्विन। MB कितना दिया हुआ है 342, वॉल्यूम कितना आया 1065.3। इसे कैलकुलेट करिएगा आप, तो कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 28.7 kg। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पी द बी आइसोटोनिक विद अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ओके, तो यहाँ पर हमें कंसेंट्रेशन निकालना है सॉल्यूट का, किस कंसेंट्रेशन पर वो 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ आइसोटोनिक होगा। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले यूरिया के लिए देख लेते हैं, यूरिया कितना दिया हुआ है हमें 5% यूरिया दिया हुआ है। तो 5% यूरिया इसका मतलब क्या हुआ 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन. ओके, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर. ठीक, तो पाई फॉर यूरिया, तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी. तो 5 ग्राम आर और टी की वैल्यू वैसे ही रहने देते क्योंकि आइसोटोनिक है तो लास्ट में वो कटेगा ही. तो एम बी इतना दिया हुआ है यूरिया. यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम कितना 0.1 लीटर. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, मास दिया हुआ था सॉल्वेंट का कितना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम तो डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होती है वाटर के लिए, तो वो चेंज हो जाएगा 100 मिलीलीटर में. तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 लीटर. ठीक, ये हो गया पाई यूरिया. ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था. सॉल्यूट पी फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी, तो ये कितना दे रखा है एट व्हाट कंसंट्रेशन, मींस हमें डब्ल्यू बी कैलकुलेट ही करना है इनटू आर इनटू टी. और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 340. यहाँ वॉल्यूम कितना लेंगे, आपको कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम कंसंट्रेशन किस में बताते हैं. 5% बोला तो हमने क्या बोल लिया था वहां पर, वॉल्यूम 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर भी हमें परसेंटेज में ही तो देना है, उसका कंसंट्रेशन को बताना है, तो वो हम यहाँ क्या लेंगे सॉल्यूवेंट जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 100 ग्राम लेंगे, तो 100 ग्राम से वो 100 मिलीलीटर हो जाएगा. जब डेंसिटी से इंटू करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा 0.1 लीटर. तो यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.1 लीटर. क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, और वो कैसे हो पाएगा जब वो 100 लीटर में 100 ग्राम में होगा उस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के. तो ये हो गया. अब क्योंकि ये दोनों ही आइसोटोनिक है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी. तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया है 5 × R × T / 60 × 0.1 = WB × R × T 342 × 0.1. तो यहाँ पर देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, R cancel, T cancel, RT 0.1 cancel, ये भी cancel. तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर WB 5 × 342/80. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो WB कितना आएगा आपके पास 28.18. कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ कितना बचा हमारे पास 60, तो ये आ जाएगा 28.5 ग्राम. तो ये 28.5 ग्राम कितने में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 28.5%. ठीक, आपको ये क्लियर है ना कि यहाँ पर हमने 0.1 क्यों लिया, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन बताना है. और कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताते हैं, कि इतना ग्राम प्रेजेंट है इतने ग्राम में. जनरली वो हम 100 ग्राम ही लेते हैं सॉल्यूशन का, कि अगर हमको 5% 10% सॉल्यूशन बोलता है तो कितना लेते हैं 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर भी हमने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना, मास हमने 100 ग्राम लिया, फिर उसको डेंसिटी से इंटू करके वॉल्यूम में चेंज किया, तो वो कितना आया 100 मिलीलीटर, उसको लीटर में चेंज किया तो वो 0.1 लीटर. ठीक, तो ये आपको समझ आ गया. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.